हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो आप सब। 3 दिन बाद आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम कन्वर्जन के कुछ टिप्स दे दीजिए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कन्वर्जन के टिप्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ज्यादा आती है आपके बोर्ड एग्जाम में 33 मार्क्स की, तो हम उसको एक क्वेश्चन आता है कन्वर्जन, डेफिनेटली होता ही है पेपर में, तो उसको करने के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। तो पहला टिप ये है कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ गया कन्वर्ट प्रोपेनॉल इंटू ब्यूटेनोइक एसिड, तो सबसे पहले you have to draw the structures of propanol and butanoic acid. क्या reactant है और क्या बनाना है, ताकि आपको कुछ idea लग जाए कि क्या conversion में कौन सी reaction use हो सकती है। तो guys सबसे पहले तो आपको सारी name reactions बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि name reactions बहुत ज़्यादा paper में मिलती है और other questions की form में भी। तो name reaction भी conversions में involve होती है। अब आपने structure draw किया, आपने देखा propanol and propanoic acid जो same है वो तो same है, difference क्या है, OH की जगह आपको introduce कराना है COOH, यानी alcohol से आपको बनाना है acid और साथ ही साथ एक carbon भी आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सी रिएक्शन यहाँ इन्वॉल्व है या हमें क्या करना है। सेकेंड, आपको एक बेसिक स्कीम पता होनी चाहिए। एल्कोहल्स है, अगर एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आपको पता है, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एल्कोहल होती है, तो 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, इसलिए मैंने यहाँ ओब्लिक लगा दिया। 3 डिग्री एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो अब आप एक स्टेप में भी एल्कोहल को एसिड तक कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO4 और K2Cr2O7, और आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। अगर आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड पे स्टॉप करना है तो आप कॉपर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री आपका एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। सिमिलरली आपको एक स्टेप करना है, KNO4 आप यहां भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपको अल्टीमेटली बनाना ही है। इसी तरह से तो आप रिवर्स में भी जा सकते हो, अगर आपके पास एसिड है तो आप रिडक्शन करा दो, NaBH4 का यूज कर लो, तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, और एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा एल्कोहल। और सिमिलरली आप एसिड के रिडक्शन से भी डायरेक्टली अगर आप LiLH4 का यूज करते हो डायरेक्टली भी आप एल्कोहल बना सकते हो। तो एक बेसिक स्कीम है जिसका आइडिया आपको जरूर होना चाहिए फॉर डूइंग द कन्वर्जंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इफ यू हैव टू इंक्रीज द कार्बन एटम्स बाय 1, अगर आपको एक कार्बन एटम बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, यू कैन यूज KCN, इट इज बेस्ट, KCN आप यूज करोगे, लेकिन क्या होना चाहिए इसकी कंडीशन कि यहाँ पर आपका गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सपोज आपका यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप है OH, तो सबसे पहले आप PCl3 या PCl5 SOCl2 ऐसा कोई भी एजेंट डाल के उसको पहले आप कन्वर्ट करोगे, हैलोजन ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करोगे, बिकॉज हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अब यहाँ पर आपका Cl आ गया, अब Cl इजिली रिप्लेस हो जाएगा CN से। तो जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो आप यूज करोगे KCN, लेकिन CN किसको रिप्लेस करेगा, ओनली गुड लिविंग ग्रुप लाइक हैलोजन, तो आपने ये रिप्लेस करवा दिया। अब आप कहोगे हम तो साइनाइड पे आ गए, अब हम एसिड पे कैसे जाए, तो अपनी बेसिक स्कीम आपको पता है, लेकिन साइनाइड तो हमारी बेसिक स्कीम में था नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर हम साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है एसिडिक ग्रुप, यानी कि CN ग्रुप जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे, जबकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से वो रुक जाएगा कहां पर, अमाइड पे। तो आप क्या करोगे, आपको एक कार्बन बढ़ाना था तो आपने देखा वहां पर हैलोजन है या नहीं, नहीं है तो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, बहुत सारे मेथड्स पड़े हैं, उसके बाद आपने KCN डाल के ऐड किया और बन गया आपका CN ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अब आपको CN ग्रुप का करना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड, यानी जो CN ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया एसिड में। तो या तो कन्वर्जन में आपको एसिड ही बनाना होगा, अगर एसिड नहीं भी बनाना है, अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो आपको अपनी बेसिक स्कीम के थ्रू आप बना दोगे एक बार एसिड मिल गया तो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN, बट साथ में याद रहे किसको रिप्लेस करता है, केवल हैलोजन को। कई बार बच्चे OH को भी रिप्लेस करा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, पहले OH को कन्वर्ट करो, किसी हैलोजन में फिर ये करो। और दूसरी बात, अगर आपका हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो आप ये यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर आप KCN ऐड करा के ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। तो नेक्स्ट, अब आपको एक कार्बन बढ़ाना है, पर ऐसी कंडीशन है जब आप KCN यूज नहीं कर सकते, जैसा मैंने अभी बताया था, या फिर आपको कार्बन बढ़ाने हैं एक नहीं दो तीन किसी भी नंबर में, तो यू कैन यूज विनार्ड रिएजेंट। ये रिएजेंट बहुत ही अच्छा रिएजेंट है कन्वर्जन के लिए, आपके मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ चार्ट, विनार्ड में आप क्या ऐड कराओगे तो कौन सा ग्रुप आएगा। फॉर एग्जाम्पल विनार्ड में अगर हम HCHO फॉर्मल्डिहाइड ऐड कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड कराते हैं तो 2 डिग्री। ठीक है, ये सारा चार्ट अवेलेबल है, आप उसको अच्छे से कर लेना, विनार्ड आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूटेन टूल,
तो आपने देखा इथेनॉल दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है और दो का डबल हो रहा है चार, क्योंकि आपको नेम रिएक्शन तो स्ट्राइक करेंगे, कहीं एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन भी एल्डिहाइड देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और डबल कर देता है कार्बन को, तो आपके माइंड में स्ट्राइक जरूर करना चाहिए एल्डोल। लेकिन एल्डोल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एल्डोल यानी एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, दोनों ग्रुप होने चाहिए, या फिर अगर आप हीटिंग भी कर देते हो तो क्या बनता है एल्कीन, बट जो आपको बनाना है ना तो वो एल्डोल है ना ही वो एल्कीन है, तो इसलिए आपके दिमाग में आएगा बट कैंसिल हो जाना चाहिए कि इट्स नॉट एल्डोल। अब आपने देखा इसका मतलब मुझे दो से चार कार्बन करना है, इट्स नॉट डबल, इट्स एडिंग ऑफ टू कार्बन, मुझे दो कार्बन एड करने हैं। तो अब आपने क्या किया कि दो कार्बन एड करने तो आपको क्या याद आना चाहिए, गिटनॉल। अब आपको पता है इथेनॉल यानी एल्डिहाइड, आपको चार्ट याद होना चाहिए, अगर एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड ले लें हम एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड और उसमें हम गिटनॉल ऐड कराएं तो क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल। अब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ब्यूटेन टूओल का, पहला स्टेप तो यही है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब आपने देखा यस इट्स 2 डिग्री एल्कोहल, तो सिंपल आपको ये वाला कन्वर्जन यूज करना है, गिटनॉल प्लस एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल, और गिटनॉल में जो RMGX उसमें R क्या लेना है, अब आपको 2 से 4 करना है यानी 2 कार्बन बढ़ाने हैं, तो सिंपल आपने इथेनॉल लिया प्लस गिटनॉल कितने कार्बन वाला ले लिया, 2 वाला, और डायरेक्टली आप बना दो अपना प्रोडक्ट। इंक्रीजिंग इफ यू हैव टू डिक्रीज द कार्बन नंबर, कोई ऐसा कन्वर्जन आ जाए जहां आपको कार्बन को कम करना है, तो मेनली आपके सिलेबस में 2 रिएक्शंस है, पहली डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और दूसरी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होता है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, ये CO2 का रिमूवल करता है, तो CO2 का रिमूवल कर देगा तो एक कार्बन क्या हो जाएगा कम, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका एल्केन। तो आपको याद रखना है कि कोई ऐसा कन्वर्जन हो कि आपको एल्केन बनाना है और एक कार्बन कम करना है तो आप यूज कर सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और अगर एल्कोहल है तो आपको पता है एल्कोहल से एसिड कैसे बनाना है, एसिड प्लस NaOH ये आपको मिल जाएगा और आप करा दोगे डीकार्बोक्सिलेशन। उसके अलावा अगर आपको एक कार्बन कम करना है और साथ में बनाना है अमाइन, तो डेफिनेटली वो किससे होने वाला है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। इसमें क्या होता है अमाइड से बनता है अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, अमाइड से अमाइन, सिर्फ ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो आपका गायब हो गया, तो एक कार्बन कम हो गया, तो एक कार्बन कम करने की रिएक्शन ये भी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में आ गया कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेन अमाइन, अब आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे देखा प्रॉप मतलब 3 कार्बन से आपको लेके जाना है 2 कार्बन में, तो 2 ही रिएक्शंस मेनली हमारे सिलेबस में है, और अमाइन भी बनाना है तो आपको डेफिनेटली पता चल गया इस रिएक्शन से ही होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस रिएक्शन में अमाइड से अमाइन बनता है, हमें अमाइन ही बनाना है, एक कार्बन कम भी करना है, पर हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पे अमाइड नहीं है, तो बहुत आसान है एसिड से अमाइड बनाना। आपको पता होगा अगर आप एसिड में अमोनिया ऐड करा देते हो तो बन जाता है अमाइड, यानी जो एसिड का OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है NH3 से। सिमिलरली आप PCl5 से कराते हो तो एसिड वाला OH रिप्लेस हो जाता है Cl से, और एसिड प्लस अल्कोहल बनाता है एस्टर। ये तीनों रिएक्शंस भी आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, एसिड था अमोनिया ऐड करा दिया, प्रोपेनोइक एसिड से बन गया प्रोपेना अमाइड, और अब आप प्रोपेना अमाइड से बना लोगे इथेन अमाइन बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, इफ यू हैव टू रिमूव नाइट्रोजन, आपको ऑर्थो मेटा पैरा पे कोई ग्रुप लगाना था बेंजीन पे वो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, बट अब आपको नाइट्रोजन को रिमूव करना है तो एक ही मेथड है, आप कराओ डायज़ोमेराइज़ेशन रिएक्शन यानी NaNO2+HCl से रिएक्शन बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट, और अब आप ऐड करा दो या तो इथेनॉल या फिर H3PO2, तो जो ग्रुप है N2Cl वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से। फॉर एग्जाम्पल एनिलीन से आपको बनाना है बेंजीन, ये कन्वर्जन आ गया, तो एनिलीन में आपने पहले कराया डायज़ोमेराइज़ेशन रिएक्शन बन गया डायजोनियम सॉल्ट, और अब आप इनमें से कुछ भी ऐड करा दो तो बन जाएगा बेंजीन, यानी ये जो पूरा ग्रुप है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं डायरेक्ट यही कन्वर्जन आए, ये भी हो सकता है कि भाई इसमें कोई ग्रुप पहले इंट्रोड्यूस कराना हो, सपोज पैरा पे आपको ब्रोमो लगाना हो व्हाटएवर, तो ब्रोमिनेशन आपको कराना पड़े तो आप पहले वो करा लो, बट अल्टीमेटली आपको ये ग्रुप कैसे हटाना है वो ये तरीका मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको आज के टिप्स अच्छे लगे हो, एंड आई विश कि आपके एग्जाम में ये आपके काम आए।